हाय गाइस, मैं हूँ सोनम और आज मैं आप लोगों को असम में जो फ्लड होता है उस फ्लड का फ्लड से लोगों को कैसे परेशानी होता है और उस फ्लड जाने के बाद लोगों को कैसे किस तरह के प्रॉब्लम उन लोग फेस करते हैं उन सबको आप लोगों को आज मैं इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। सो दोस्तों, मेरा सामने है वो दिहिंग रिवर और उधर आप लोग देख सकती हो बहुत ही बड़ा ये जो प्लेस है, ये प्लेस बहुत ही बड़ा है ये लोकेशन। और मेरे सामने है वो दिहिंग रिवर और उधर है ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, आप लोग गूगल करना, वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि आप सपने में भी सोच भी नहीं सकती इतने बड़ा। सो फ्रेंड्स, जब असम में फ्लड होता है तो क्या होता है, ये जो दिहिंग रिवर, सो आप लोग देख सकते हो ये जो दिहिंग रिवर, इस दिहिंग रिवर का जो वाटर लेवल बहुत ही इंक्रीज हो जाता है। वाटर लेवल बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर इसके रिवर के पास जो भी लोग रहते हैं उन लोगों को बहुत ही परेशानी होती है। और आप लोग देख सकते हो ये जो मेरे सामने जो घर है, वो घर भी जब फ्लड आया था वो घर भी पानी के नीचे चला गया था। तो यहाँ पर मैं एक रिवर के किनारे के एक जगह में चल रही हूँ और सामने ये बहता हुआ दिहिंग एक अच्छी सी फील दे जाती है। तो अब थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है, यहाँ पर ऊपर देख सकती हो बहुत ही क्लाउड है। और मैं अब यहाँ रिवर के पास में जो लोग रहते हैं उन लोगों को जाके पूछूंगा कि जब फ्लड होता है तब उन लोग किस तरह की प्रॉब्लम की उन लोग फेस करते हैं, उन सब के बारे में आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, ये जो लकड़ी है, ये जो उद है, ये लकड़ी पानी में आया था और यहाँ के पास में जो लोग रहते हैं उन लोगों ने इस लकड़ी को यहाँ पर रखा दिया है। मैं अब हूँ यहाँ का थोड़े लोकल लोगों के साथ और उन लोग आपको बताएंगे कि जब असम में फ्लड हुआ था, यहाँ पर जब फ्लड हुआ था तब उन लोग किस तरह के प्रॉब्लम का उन लोग फेस किया था। सो वो सारी बात इन लोग बताएंगे और इन लोग जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, सो दैट्स व्हाई मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा। सो देखिए, यहाँ पर जो सामने आप लोग देख सकते हो इतना बड़ा रिवर है, इतना बड़ा नदी है और उन नदी में कितने सारे पानी बहते हैं, इस ये बात आप लोगों को बोलने की कोई भी जरूरत नहीं। आप लोग गूगल कर लेना और आप लोग शायद जानती हो असम का जो फ्लड का प्रॉब्लम है वो कितना बड़ा है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा इमेजिन करने का कोशिश कीजिए कि इधर ये जो रिवर है वो कितना बड़ा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे मानव रिवर के किनारे रहते हैं। सो उन लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम उन लोग फेस करते हैं, सो इस बातों को थोड़ा गौर फरमाइए। अब मैं जहाँ पर चल रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकती हो एक रिवर दिहिंग का किनारे के जो भी सरफेस है वहाँ पर चल रही हूँ। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि वो जो रिवर है, वो रिवर ने थोड़ा थोड़ा उसके किनारे का जो मिट्टी है उसको रिवर ने उस मिट्टी को उसके तरफ खींच लिया है और इस वजह से वो रिवर दिन ब दिन बहुत ही बड़ा सरफेस में फैल गया है। सो पहले क्या होता है कि आप लोग शायद नहीं देख सकती हो, तो वहाँ पर जो वो नदी है, नदी के आज से तकरीबन एक दो साल पहले वो नदी बहुत ही सोता था, लेकिन धीरे धीरे नदी का जो किनारे का मिट्टी है उस मिट्टी को नदी के पानी ने उस मिट्टी को वहाँ से हटा दिया और इस वजह से वो रिवर धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा फैल रही है। ये जो रिवर है ना, उसके आसपास बहुत ढेर सारे पीपल उसके पास
लिफ्ट करते हैं। सो इसलिए जब फ्लड हो जाता है तो ये जो बेम्बो का ट्री है, इस बेम्बो ट्री का आप लोग देख सकते हो कि इधर तक पानी हो जाता है। और सिर्फ इधर ही नहीं, ये जो नदी है, नदी जितने दूर बहता हुआ है और जहाँ जहाँ भी लोकेशन थोड़ा डाउन जाता है तो वहाँ पर ही फ्लड का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो इधर आप लोग जरा देखिए कितने नीचे है वो जो नदी है, कितना गहरा है ये। और मेरे को ना ये वीडियो बनाते वक्त भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे हो जाता है फ्लड के बाद। और यहाँ पर ये जो गस इतने तक भी पानी आ गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि दो गांव के बीच का जो रोड है वो भी कितना, उसका भी हाल कितना बुरा है। और इधर मैंने अब इधर से आया था और अब इधर जाऊंगा, लोगों को एक चीज दिखाना चाहती हूँ और उस चीज को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पर देख सकते हो कि इस लोगों के घर जमीन से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर जब पानी होते हैं तो उधर तक पानी चला जाता है। सो इसलिए इन लोग इस तरह की घर में रहती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहती हूँ, ये जो जाल है ना, इस जाल को बेसिकली यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन लोग मछली पकड़ने का काम में यूज करते हैं। और जब यहाँ पर पानी आ जाता है तब उन लोग इस जाल को लेकर के उधर बोर्ड में बैठ कर के मछली पकड़ने में बिजी हो जाता है। और इन लोगों का मेन जो बिजनेस है वो बिजनेस मछली पकड़ना ही है। उन लोग मछली पकड़ते हैं और आप लोग जब मछली खाते हो जो कोई भी मार्केट से परचेस करके, वो मछली बेसिकली यहाँ से ही जाता है। तो ऐसे ही हो जाता है फ्लड के बाद हम लोगों का असम का जो सिचुएशन ऐसा हो जाता है। और वहाँ पर जो एक टॉयलेट है, उस टॉयलेट को आप देख सकते हो, वो गवर्नमेंट का टॉयलेट है वो टॉयलेट। सो ऐसा ही है हम लोगों का असम। यहाँ पर मेरे साथ एक यहाँ के लोकल भाइया है और वो ये जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड को ड्राइव करने के लिए जो लकड़ी का ज़रूरत होता है उसको बना रही है, जिसको आप देख सकती हो। और ये जो बोर्ड है वो बोर्ड कोई भी मशीन से नहीं चल रहे, वो आदमी लोग उसको खुद चलाते हैं इसको यूज़ करके इसको। और अब मैं यहाँ पर थोड़ी आदमी से पूछने की कोशिश करूँगी कि जब वहाँ पर पानी हुआ था, जब यहाँ पर फ्लड हुआ था तो उन लोगों की हालत कैसा था। सो मैं उसको ज़रा पूछने की कोशिश करते हूँ, लेकिन आई होप कि उन लोग हिंदी नहीं बोल पाते हो गए। सो मुझे भी अच्छी तरह से नहीं आता, लेकिन आई एम जस्ट ट्राई टू डू। जब वहाँ पर फ्लड हुआ था तब ये जो घर है ना, उस घर के लोग आकर के इधर, ये जो प्लेस है ये थोड़ा ऊपर है तो इधर आ गया था उन लोग। सो जब इधर फ्लड हुआ था तो इन लोगों की हालत आप लोग खुद ही समझो। तो उन लोग अपने घर से बाहर आकर के ये जो प्लेस है ये बहुत ही ऊँचा है, ऊपर में है, यहाँ पर आ गया था। सो यहाँ पर छोटे छोटे टेंट बनाकर उन लोग खुद यहाँ पर रहते हैं। और जब यहाँ पर पानी हुआ था तब ये जो खाई है यहाँ से तकरीबन उधर तक पानी आ गया था। तो इसलिए यहाँ पर जो घर है, घर के अंदर पानी घुस गया था, तो इसलिए इन लोगों को इधर आना पड़ा इधर, क्योंकि ये जो प्लेस है ये बहुत ही ऊँचा है। तो यहाँ पर मेरे साथ यहाँ के एक लोकल भाइया है, वो कुछ बताएंगे आप लोगों को यहाँ पर जो फ्लड हुआ था उसके बारे में। देखिए यहाँ पर फ्लड पानी हो गया, पूरा एरिया फ्लड हो गया। गोरू का घास नहीं है, आदमी का खाना नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने का पानी नहीं है, बहुत दिक्कत से जी रहा है आदमी लोग यहाँ का। हाँ, और कोई जाने का रास्ता भी नहीं है, इधर उधर जाने का गाड़ी भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, मेडिकल भी रिलीफ का ब्रीफ नहीं है, रिलीफ का भी कोई फंड नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई सुविधा है ही नहीं यहाँ पे जो आदमी अस्वस्थ से जी सके। कोई बीमार है तो उसको डॉक्टर के पास जाने के लिए गाड़ी का व्यवस्था नहीं है। पूरा यह बस्ती एरिया है, यहाँ कुछ डॉक्टर भी नहीं मिलता है कुछ बीमार होने से। हाँ, सिर्फ मिलता है मसीटू मिलता है खाने के लिए, दूसरा कुछ नहीं मिलता है।
सो बेसिकली ये जो भाई है वो हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब यहाँ पर फ्लड हुआ था तब इन लोगों का हालत, ये जो इन लोगों का हालत है वो बद से बदतर था, क्योंकि यहाँ पर जब फ्लड हो जाता है तो खाने की चीज, वाटर और ये जो जो हम लोगों का फंडामेंटल राइट है कुछ भी इन लोगों को प्राप्त नहीं होता है। सो इसलिए सो इन चीज़ों के बिना आदमी कैसे जी सकते हैं। सो जब यहाँ पर फ्लड हुआ था, फ्लड तो तकरीबन एक डेढ़ हफ्ते के लिए तो रह जाता है। हाँ दादा, हाँ अभी तो दो महीने महीने साल महीने महीने भी हो रहा है। सो आप लोग जरा इस बात को समझिए कि दो महीने तक एक गांव में, नहीं नहीं सर, यहाँ पर एक गांव नहीं, यहाँ पर दो गांव है, दो गांव, दो विलेज है यहाँ पर, यहाँ दो गांव, किस तरह की सिचुएशन के अंदर रहते होगे, तो थोड़ा इस बात को थोड़ा गर्व फरमाइए।